एवरीबॉडी, आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी लैब के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है इनक्यूबेटर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम शुरू से ही, क्योंकि आपको इसका बेसिक बताऊंगी मैं पूरा का पूरा, और उसका प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर ये बेस्ड होता है, वो सभी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले इसके डोर से शुरू करते हैं। ये डोर किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ओके, किसका बना है? ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अगर हम इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। ओके, तो वापस से मैं डोर पे आती हूँ। तो डोर में आप सबसे पहले ये वाला पूरा पोर्शन देखिए। ये वाला पूरा क्या है? ये टेम्परेचर कंट्रोलर है हमारा, क्योंकि इनक्यूबेटर का क्या काम होता है, ये हमें ये किस इसका प्रिंसिपल क्या है, ये है थर्मोस्टेट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, यानी कि थर्मोस्टेट लगा होता है इसमें। इस क्या होता क्या है, थर्मोस्टेट करता क्या है इसमें, ये एक तरीके से नाम से पता चल रहा है इनक्यूबेटर, यानी कि इनक्यूबेट कर रहा है किसी चीज़ को। हम इसमें माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्यों यूज़ करते हैं इसको, अपने कल्चर जो हमारे बैक्टीरिया हैं फंजाई हैं उनको इनक्यूबेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब थर्मोस्टेट है तो यानी कि क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, क्योंकि लैब में हमें क्या चाहिए होता है, सभी चीज़ें कंट्रोल कंडीशन में चाहिए होती हैं। तो ये क्या करेगा, वो कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें अपना टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे। अभी इसका टेम्परेचर सेट है 37.9 पर। नॉर्मली जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो किस टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, प्लस माइनस 235, यानी कि 35 से प्लस 2 या प्लस माइनस 2। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे अभी देख रहे हैं, वैसे इसका जो टेम्परेचर 36.1 है, यहाँ पे प्रेस करके दिखा रही हूँ मैं। तो जो थर्मोस्टेट वर्क कैसे करता है कि सपोज मुझे 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर चाहिए, तो वो क्या करेगा, खुद के टेम्परेचर को क्या करेगा, एटमोसफेयर का टेम्परेचर सपोज 35 है, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को रेज करेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या जो भी मुझे 37 चाहिए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा और वहीं पे जाके क्या जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इससे जो हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होगा उससे ना ही टेम्परेचर ऊपर जाएगा और ना ही टेम्परेचर नीचे जाएगा। देन यहाँ पे आप ये स्विच देख सकते हैं, ये लाइट का है। ओके, इससे मैं ऑन, यहाँ पे अगर मैंने इसको प्रेस किया तो लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए अभी क्या हो रही है, लाइट ओपन है, देन लाइट क्लोज हो जाएगी। तो अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको बताई दिया है। यहाँ पे फिर क्या है, ये है वोल्टेज इंडिकेटर, ये यहाँ के क्या दिखा रहा है, स्टेबलाइजर, स्टेबल करने के लिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, वोल्ट मीटर लगा है वोल्टेज को बताने के लिए। इसमें जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। ये BOD, ऑटोमेटेड BOD, यानी कि BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, ये BOD इनक्यूबेटर है हमारा। ओके, ये बैक्टीरिया को क्या करा रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहा है। ओके, तो अभी मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ कि इसका टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये सेट के लिए है। ओके, यहाँ पे दिख पा रहा है आपको, ये क्या दिया यहाँ पे लिखा है ना, कोर्स, यहाँ से क्या करते हैं इसको घुमाना होता है, ये पेंच टाइप का दिखा रखा है ना, इसको क्या करना है, हमें घुमाना है। आजकल एडवांस इनक्यूबेटर में घुमाने वाले नोड्स भी आने लगे हैं। तो अभी क्या करना है, सपोज मुझे अभी यहाँ पे 36 है, मैं इसको इधर से एक स्विच इसका दबाऊंगी और इधर से क्या करूंगी, इसको घुमाऊंगी। तो मैंने 54 करना है सपोज, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी 54 आ गया है। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि पहले बाहर का टेम्परेचर कितना है, 37.7 है, तो ये वही शो कर रहा है। तो अभी मैं वापस से अगर कम करना है, सपोज 26 करना है मेरे को, तो अभी 27 आ गया है, और घुमाऊंगी मैं इसको थोड़ा। तो ये देखिए 35.9 आ गया है, 26 हो गया इसका टेम्परेचर। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, वापस छोड़ने पर ही बाहर का टेम्परेचर ही शो करेगा। अब मैं आपको इसको खोल करके दिखा रही हूँ, ये मैंने इसका खोला है, ये यहाँ पे किसका, स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है, बाहर कैसी इसकी शीट एल्युमिनियम की बनी हुई है। ओके, देन एक ग्लास का डोर लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें लिच लगी हुई है, इसको खोल रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने अपने इनक्यूबेटर में क्या किया है, कुछ कल्चर्स पहले के रखे हुए हैं फॉर ग्रोथ, आप सामने देख रहे हैं बल्ब लगा हुआ है। यहाँ से मैं इसको ऑफ करूँगा ऊपर से तो ये बंद हो रहा है, यहाँ से ऑन हो रहा है। ओके, ये सामने हीटिंग रोड्स लगे हुए हैं। ओके, हीटिंग कोइल्स देख पा रहे हैं आप,
ओके, तो यहाँ पे हमने कल्चर्स को क्या करते हैं, इंक्यूबेशन के लिए प्लेस करते हैं। ओके, देन इसको हम ज़्यादा देर के लिए ओपन नहीं छोड़ते हैं, तो मैं बंद कर रही हूँ, मैंने दिखाई दिया है आप लोगों को, नहीं तो क्या होगा, कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंक्यूबेटर में हम काम कैसे करते हैं। मोस्टली हमें क्या करते होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है, जिसकी बॉडी होती है उसमें बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं करंट आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आइटम है, तो हमें क्या करना होता है, हम इसको बंद करके खोलना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी लाइट जलानी थी मुझे इसके अंदर, तो मैंने आपको इसको ओपन करके दिखाया, तो कोशिश करें कि जब भी आप इसको ओपन करें बंद करें, ओके। क्योंकि अभी हमारे, जैसे मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो यहाँ पे भी बारिश का मौसम है, तो बारिश के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उनमें करंट आ जाता है, ओके। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रिकॉशन ले सकते हैं। सो जो मैंने आज आपको बताया इंक्यूबेटर के बारे में, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।